नमस्कार, मैं आपके लिए नए रास्ते खोलने के लिए आई हूँ। अपना परिचय नहीं दूंगी, सिर्फ आधा मिनट लूंगी। आप अक्सर कहते हैं आपके यहाँ कोई फोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप नहीं का जवाब नहीं देते, पूजा यश ठीक से जवाब नहीं देते, तो अब हमने आपके लिए नए रास्ते खोल दिए हैं, बिल्कुल इस कटन और पर्दे की तरह। जी हाँ, आप हमारा पहले नवरात्रे से फोन ऑन होगा सुबह 7 बजे। 7 बजे से 11 बजे तक आपको 2 नंबर दिए जाएंगे, जो केवल 7 से 11 बजे ही हम जवाब देंगे। उसपे आपके अपॉइंटमेंट्स भी होंगी, उसमें आप मुझसे बात भी करेंगे लेकिन अपॉइंटमेंट लेकर। तो आपका फोन सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में यश उठाएंगे और उसके बाद 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका फोन पूजा उठाएंगी। टीम काफी बड़ी है, और भी लोग हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल स्तर पर रहते हैं और आप जल्दी मुझसे बात करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर फोन करें। अब मेरे पहले 3 नंबर थे और ये 2 नए नंबर ऐड हुए हैं, तो इन नंबरों को आप नोट कर लीजिए। ये डॉक्टर वायराकी के नए नंबर है जिन पे आप सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। प्लस आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, जब भी फीस जमा कराएं पहले मेरा ऑफिस जरूर देखें, कहीं आपके साथ कोई धोखा ना हो जाए और आपके खुले हुए रास्ते कहीं बंद ना हो जाए। मैं भगवान से कृपा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आपके रास्ते सदैव खुले रहें, तो सही जगह पर पैसे जमा करें। मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बहार के। बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, बिजली वाले तेरा क्या जाएगा, तेरी बिजली से भवन सज जाएगा। नमस्कार, जयकारा है शेरावाली का, सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आप सबका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ, आपकी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज हम क्या बात करें, करोड़पति कैसे बनना है। देखिए, वैसे करोड़पति सीधी साधी एक बात आपको बताऊं तो इंसान मेहनत करने से बनता है, माता पिता की सेवा करने से बनता है, ईमानदारी से बनता है, लोगों की दुआओं में रहने से बनता है। कोई किस्मत नाम की चीज नहीं होती, सिर्फ शख्स के पास मेहनत, जज्बा और लगन होनी चाहिए, ओए और उसकी जुबान पर मिठास होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी तो कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं जिनसे हमारा भाग्य और तेज चमके। किस्मत नहीं, भाग्य, कर्म आपके साथ साथ पैरेलल चलते हैं, ठीक है। अमावस पर दान करना शुरू कर दीजिए। जो पितर इस दुनिया से चले गए हैं उन पितरों को याद करना शुरू कर दीजिए। खासकर चावल का दान अमावस वाले दिन जरूर करें। जो भी अमीर बनना चाहता है पहले एक बात समझ ले कि वो अमीरों से चिढ़ना शुरू जो है ना वो छोड़ दे कि अरे उसके पास गाड़ी है, उसके पास ये है वो है। आप कभी भी किसी की ना किसी के आगे तारीफ करो तो जो व्यक्ति उससे अच्छा नहीं बन पाया ना तो वो क्या करेगा, वो उसकी बुराइयां करनी शुरू कर देगा। और आदमियों की तो आदत है, जब महिलाओं को गिरा नहीं पाते तो वो सिर्फ उनके करेक्टर पे बात करते हैं। सालों से यही होता आ रहा है, चाहे वो हम बात कर ले सीता मैया की, तो सबको ही इम्तिहान देना पड़ता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप किसी के से आगे नहीं बढ़ पाते, उसके जैसे नहीं बन पाते लाख मेहनत करने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं आप उसकी निंदा और बुराई करना शुरू कर देते हैं। उसकी निंदा और बुराई तो उसे आगे लेकर जाती है, लेकिन आपकी द्वारा की गई निंदा और बुराई आपको गड्ढे में गिरा देती है। क्योंकि कहते हैं बात तो उसी की होती है जिसमें कुछ बात होती है, और जब हम किसी के जैसे बन नहीं पाते तो उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मेहनत कीजिए और उसके बाद कुछ उपाय बता रही हूं वो कीजिए, और किसी से जलना छोड़ दीजिए। 8 बजे से पहले नहाने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि 8 बजे के बाद जो सुबह नहाता है वो राक्षसों के साथ नहाता है, तो अपनी पहली एक आदत बना लीजिए। 21 चावल के दाने लेकर उसमें हल्दी मिलाकर एक लाल रेशमी कपड़े के अंदर हमेशा अपने पर्स में, लैपटॉप बैग में, तिजोरी में, घर में जरूर रखिए, और इसे हर नवरात्रे पे बदलिए। मतलब एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू डू दिस। पर्स में कभी भी चाबियां मत रखिए, कभी भी खुले पैसे और नोट पर्स में एक साथ मत रखिए। पर्स को साल में एक बार बदलना चाहिए, और पर्स कोई आपका अपना आपको तोहफे में दे तो बहुत अच्छा। अगर आपकी किसी से बहुत अच्छी दोस्ती है तो उसे पर्स आप तोहफे में मांग लीजिए। पर्स हर बार अलग अलग रंग का लेना चाहिए, और पर्स के अंदर अलग से नोटों को इज्जत और रिस्पेक्ट के साथ रखना चाहिए। हर किसी की विजिटिंग कार्ड पर्स में नहीं रखने चाहिए, हर किसी की फोटोएं पर्स में नहीं रखनी चाहिए। गाय के घी का दीपक हर शुक्रवार को अपने घर में जरूर जलाना चाहिए, एक अपने मंदिर में, एक ईशान कोण में। कन्याओं को इज्जत की नजर से देखना चाहिए, और अगर आप उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जिनके घर में बेटी ने जन्म लिया है तो बेटी के पांव छूकर ऑफिस जाना चाहिए। हर शुक्रवार किसी ना किसी को पैसे भेंट स्वरूप जरूर देने चाहिए, लेकिन अगर सबसे बेहतर वही होगा कि आप ये पैसे 1 रुपए का सिक्का हर शुक्रवार लक्ष्मी जी के मंदिर में लक्ष्मी जी के पास रखकर आए। शुक्रवार को सफेद कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए, गुलाब जल पानी में डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। शुक्रवार वाले दिन आप इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल ज्यादा करें, और शुक्रवार वाले दिन
केसर की खीर बनाकर दूध में केसर और मिश्री मिलाकर आप छोटी छोटी कन्याओं को खिलाना शुरू कर दीजिए और अपनी जिंदगी में बदलाव देखिए। 5 पीली कौड़ी आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हमेशा लटकी रहनी चाहिए। अगर वो चोरी हो जाए, टूट जाए या उसमें से एक आधी गिर जाए, उसे हटाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए और नई कौड़ी लगा लीजिए। और जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर कौड़ी लगाएं, पीली कौड़ी लगाएं, तो याद रखिएगा कि वो हमेशा दिन शुक्रवार हो। अपने घर की तुलसी जिस पर आप पूजा करते हैं उसमें काले रंग की कौड़ी जरूर होनी चाहिए। उसमें आपके काली कौड़ी होने के साथ साथ कौड़ी को मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और कुछ 1 रुपए के सिक्के होने चाहिए। अपने व्यापार क्षेत्र में, फैक्ट्री में, घर में आपको हमेशा शंख बजाना चाहिए। शुक्रवार को कौओं को पनीर जरूर खिलाना चाहिए। साबुत दाने की खीर बनाकर केसर मिलाकर आपको विष्णु जी को थर्सडे वाले दिन भोग लगानी चाहिए और उसके बाद सबसे पहले वो खीर अपने घर के सबसे बड़े पुरुष को खिलानी चाहिए। आपको कभी भी बालों को बहुत ज्यादा खोल कर नहीं रखना चाहिए और अगर खोले भी तो याद रखिए कि पूजा करते वक्त या ऑफिस जाते वक्त आपको अपने बालों को बांध कर या थोड़ा सा, जैसे अभी मैंने पीछे छोटा सा क्लचर लगा रखा है, तो छोटा सा क्लचर जरूर लगाना चाहिए। बाल हमेशा बंधे हो, पार्टी शादी में जरूर खोले। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं तो सपने देखना शुरू कीजिए और अपनी औकात और हैसियत से बड़े सपने देखना शुरू कीजिए। प्लस अपने मन की बातें किसी को मत बताइए। अपनी उम्र, अपनी दौलत, अपनी प्लान्स जो फ्यूचर में आप करना चाहते हैं इस पर हमेशा एक पर्दा डालकर रखिए। इसका डिस्कशन किसी से कभी मत कीजिए। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा, राखी। आपको बता रही हूं कि किस तरह से और क्या जादुई उपायों से हम बन सकते हैं करोड़पति। तो ये जज्बा अपने अंदर रखिएगा अमीर बनने का, कि कैसे बन सकते हैं अमीर। आप जरूर बनेंगे, मेहनत करते चले जाइए और मेरे चैनल को देखते चले जाइए। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट्स में जय माता दी लिखिए। माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने भारत से प्यार कीजिए, देश और दुनिया का अच्छा सोचिए, खुद का अच्छा खुद ही हो जाएगा। जय माता।